हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। डेटा फाइल हैंडलिंग के तहत हमने आपको एक प्रोग्राम दिखाया था, किस प्रकार से बड़ी ही आसानी के साथ वो प्रोग्राम आप बना सकते हैं और डेटा फाइल हैंडलिंग में आपके काफी काम हुआ आ सकता है। लेकिन आज की ये वीडियो है इस बात को लेकर के कि एक लिस्ट हमें बनानी है। कैसी लिस्ट होगी? वो एम्प्टी लिस्ट होगी। कैसी लिस्ट होगी? एम्प्टी लिस्ट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्टी लिस्ट और ये होगी एम्प्टी लिस्ट, और एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, कैसे कैसे क्या करना है उसको समझिएगा। देखिए, यहां पर आपको सबसे पहला काम कि जो आप एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं उसमें आपको एक लूप लगा देना है। तो यहां लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज, ये लगा दिया हमने आई इन रेंज, आर ई एन जी ई, तो ये हो गया आई इन रेंज। और आई इन रेंज लिख करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1.6 करेंगे। और अब जो है यहां पर क्या करना है हमें, अच्छा लिस्ट भी एम्प्टी आपको बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट तो हम दे ही देंगे, एलएसटी नाम से एक एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं और ये एम्प्टी ही है, देख सकते हैं। और अब जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर क्या करना है, एलएसटी में अपेंड कराना। अपेंड एक लिस्ट का फंक्शन है, आप जानते ही है। तो यहां पर आए और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, और ओपन करने के बाद क्या करेंगे, ओपन जैसे ही करेंगे हम तो यहां पर हमें क्या दे देना है, यहां पर हमें दे देना है i into 2, यानी i में जो भी वैल्यूज जाके स्टोर होंगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। i में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है उसको देखते हैं। पहले देखिए, i में जो स्टोर होगा वो होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, और फिर होगा 4, और फिर होगा 5, 6 नहीं होगा क्योंकि रेंज लगा हुआ है, तो यही वैल्यू i में स्टोर होगी। और फिर i into 2 कर देना है, यानी हर नंबर से 2 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, और इसी को हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रिंट LST को करवा देते हैं। तो LST को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो देखिए पहली वैल्यू जो आएगी, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, पहली वैल्यू जो बनेगी तो लिस्ट में क्या बनेगा, लिस्ट के अंदर पहले जो है 2 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर 4 होगा, फिर क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा, तो 2 और 4 होगा, ऐसे ऐसे करके आएगा ये 2.4। ठीक है, फिर क्या होगा, थर्ड टाइम में 2.4.6 हो जाएगा, तो ये हो गया 2.4.6, ऐसे करके चलेगा, ये 6 होगा यहां पर। तो अब ये हो गया, अब फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर देखिए 2.4.6.8 हो जाएगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, 2.4.6.8.10 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, ऐसे हो जाएगा ये 2.4.6.8.10 हो जाएगा, यानी ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और अगर हम इसको चला देते हैं यहां से, यहां पे देखिए तो सेम यही वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना, अपेंड के अंदर ये दिया है ना, दैट्स वाई यहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है, ये लिस्ट के अंदर आ रहा है। अगर हम अपेंड के अंदर ना देकर के एलएसटी में मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट कुछ और आ जाता। कैसे, देखिए यहां पर एलएसटी में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये लिस्ट नहीं बनती। ठीक है, मैं इसे कमेंट करता हूं ये लाइन को, आप देखेंगे कि यहां पर लिस्ट नहीं बनेगी, और ये बिल्कुल, ये देखिए ये एम्प्टी लिस्ट ही प्रिंट हो जा रही है, क्योंकि एलएसटी इंटू 2 और आई में तो वैल्यू जा रही है, LST से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। अगर हम यहां पर i into 2 कर दें तो क्या होगा, तो i into 2 करने पर ये लिस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट में नहीं जाएगा, ये सिंपल ऐसे प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो बस यही डिफरेंस है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।